यदि इस तरह आईसी नहीं मिलता है मार्केट में, तो आप इसको कैसे सेट कर, मतलब ये बोर्ड को कैसे सेट करिए, ये मतलब इसका जो आईसी है ये वाला खराब हो गया था, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों गर्म हो रहा था। स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाले ये ब्लूटूथ है दोस्तों, आपके पास कोई सा भी ब्लूटूथ हो, मेरे पास तो ये वाला है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये आईसी जो रहता है ना, ये खराब हो गया था दोस्तों ये वाला। तो मैंने दोस्तों इसमें ना ये वाला फिटिंग किया है दोस्तों, ये वाला मॉड्यूल देखिए। तो आप भी इसको फिट कर सकते हैं दोस्तों, जब भी आपके पास आईसी खत्म हो जाए, यदि इस तरह आईसी नहीं मिलता है मार्केट में, तो आप इसको कैसे सेट कर, मतलब ये बोर्ड को कैसे सेट करिएगा दोस्तों। मतलब बोर्ड तो दोनों रहेगा दोस्तों, ये भी रहेगा और देखिए मैंने भी सेट किया है दोस्तों इस तरह। तो कैसे इसको तार, मतलब इसका वायरिंग करना है दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा, क्योंकि कभी कभी मोबाइल रिपेयरिंग के भाई के पास भी इस तरह बनने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो आराम से किट रखिएगा दोस्तों, तो आप बना पाइएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आज जो न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रिपेयरिंग के बारे में हर कुछ डालते रहता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा आपको ना। ई बोर्ड का ज़रूरत क्यों पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इस बोर्ड से ही केबल हो जाता है, लेकिन देखिए कभी आपको बैटरी चार्ज करना पड़ा या ऑन ऑफ करना पड़ा दोस्तों, तो इसमें आपका रहता नहीं है चार्ज करने का, तो चार्जिंग रहता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसको मैं निकाल के इसमें ही लगा दिए, क्योंकि इसका वाला भी ख़राब हो गया था, कस्टमर मतलब इसको ना उखाड़ दिया था और डायरेक्ट ही जोड़ा था, तो इसलिए मतलब इसका जो आईसी है ये वाला ख़राब हो गया था, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों गर्म हो रहा था। तो मैंने इसमें बोर्ड ही चेंज करना मतलब सही समझे थे दोस्तों, क्योंकि ये आईसी मिलता भी नहीं जल्दी, तो इसको दो मतलब दो मतलब दो स्पीकर वाला है दोस्तों, इसमें एक साइड का बजेगा, इसमें एक साइड, इसमें भी रहता है दोस्तों दो स्पीकर वाला, तो सेम है मतलब सोचने जाए तो, केवल कि इसमें मेमोरी नहीं बजेगा, इसमें केवल ब्लूटूथ से काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कनेक्शन कैसे करना है आपको बता देते हैं। ई बोर्ड को इसलिए रखते हैं कि चार्जिंग पिन के लिए और ऑन ऑफ कर, मतलब ये दो ही टू के लिए, नहीं तो इसका भी उतना ज़रूरी नहीं पड़ता, लेकिन और ये सेट भी अच्छी तरह हो जाएगा, आराम से सेट भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें दूसरा मॉड्यूल लगा है क्या नहीं लगा है, और इसको नहीं लगाएंगे तो इधर उधर छेदा करना होगा, तो इसलिए ये मॉड्यूल को। तो देखिए दोस्तों, इसमें ना आपका जो यहाँ वाला जो बॉक्स वाला तार रहता है दोनों स्पीकर का, दोनों साइड का, एक यहाँ पर रहता है एक यहाँ, तो आपको इसको दोनों को निकाल के इसमें देना है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा होगा ये दोनों सिरा में, मतलब माइनस प्लस, तो स्पीकर में नहीं रहता है, आप दे सकते हैं यहाँ, मतलब एक एक साइड का स्पीकर मतलब इस साइड का है तो इधर दे दीजिए, इस साइड का है तो इधर दे दीजिए, और ये बैटरी का है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ ग्राउंड और यहाँ पर बैटरी का है, आप यहाँ पर देते हैं दोस्तों, तो ये एक डायोड रहता है इसमें, चलिए आपको हम इसमें दिखाते हैं। देखिए ये डायोड है दोस्तों, तो ये मतलब चार्ज जब जाता है ना, तो इसके द्वारा डायोड होके द्वारा बैटरी में जाता है, तो हमने इसको निकाल दिए हैं, डायोड को भी निकाल दिए हैं, डायोड को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें डायोड है दोस्तों यहाँ पर, तो इससे काम हो जाएगा, या तो ये आईसी है ना, ये आईसी से चार्ज हो जाएगा दोस्तों, तो इसको मैंने निकाल दिए, इसलिए ये पिन को भी उसमें कर दिए और इसको हटा दिए, तो इसका काम नहीं है, केवल आपको प्लस वाला यहाँ पर जोड़ना है, देख लीजिए यहाँ पर प्लस वाला जोड़ना है, यहाँ पर ग्राउंड जोड़ना है, और इधर दोनों स्पीकर का इधर तो जोड़ ही लिए दोस्तों, मतलब जो अंदर से आता है ना, तो आपको एक स्पीकर का इस सिरा जोड़ना है, एक स्पीकर का इस सिरा, और दो को तार यहाँ से लेना है माइनस प्लस, और इसमें कैसे करना है दोस्तों, देखिए आपके पास होगा तो आईसी उतार भी सकते हैं, या तो यहाँ पर एक रहता है दोस्तों डायोड, इसको कट कर दीजिएगा ना, तो इसमें कनेक्शन नहीं आएगा, मतलब जो बैटरी का जो 3.5 वोल्ट आता है नहीं आएगा, तो कट जाएगा, या तो आप आईसी उतार दीजिए, इसका आईसी का काम भी नहीं है, दोनों आईसी उतार दीजिए, केवल दो तार यहाँ से लीजिए इस बोर्ड से, देख लीजिए माइनस प्लस लीजिए इससे, और देखिए यहाँ जोड़ना है कैसे दोस्तों, जैसे कि बैटरी का है तो बैटरी वाला आपको जोड़ना है, देखिए यहाँ पर और माइनस वाला यहाँ पर, और इसका भी माइनस जो आएगा दोस्तों यहाँ पर जोड़ना है, लेकिन जो इसका प्लस आना है, प्लस जो आ रहा है दोस्तों, इसको ना आपको यहाँ पर नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक चलने लगेगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, आपको ऑन ऑफ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बटन दिया है दोस्तों, देखिए जैसे ये वाला है दोस्तों, ये वाला आया बटन का इधर वाला सिरा में,
मतलब यहाँ पर आया है, सोचिए बैटरी वाला, और इधर से निकल के ये मतलब देखिए यहाँ लाइनिंग है दोस्तों, इधर से गया है, तो हम लोग को यहाँ पर नहीं देना है, बस इसमें दे देना है। हमने जैसे यहाँ पर दिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही इसको हम स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्ट हो जाएगा, देखिए स्टार्ट हो गया। इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और यदि यही तार हम यहाँ पर दे देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखिए। तो इसीलिए बस इतना सा ही काम है दोस्तों, कि इस तार को आपको यहाँ पर नहीं देना है, बस बैटरी वाला को देना है यहाँ पर, दोनों को, काला वाला यहाँ पर और लाल वाला यहाँ पर। और आपको ये वाला है ना, ये वाला केवल इस देखिए लाइनिंग है, आपके पास दूसरा मॉड्यूल होगा तो आप देख लीजिएगा इसका बटन का, उसी तरह करना है, बस इतना सा ही करना है दोस्तों। और ये चार्जिंग तो ओके है, मतलब इधर से डालने से चार्ज भी होगा बैटरी, और स्टार्ट करने से काम भी करेगा मतलब। तो बस छोटी सी ये ट्रिक आजमा लीजिए दोस्तों, या समझ लीजिए। तो आपके पास भी मोबाइल रिपेयरिंग के बाद भी इस तरह बॉक्स कभी आए तो ये मॉडल रखिए, देखिए इसका नंबर भी है दोस्तों M38, मार्केट में मिल जाता है, तो आप मंगवा लीजिए ऑनलाइन भी या कहीं से भी, तो आराम से इसको लगाइए और कस्टमर को दीजिए। देखिए इसमें चालू करेंगे तो ऑन हो गया, इसमें आवाज़ भी अच्छा देता है दोस्तों, और इस तरह आराम से इसको सेट कर दीजिए। बस दोस्तों ये छोटी छोटी रहता है जानकारी, कभी कभी इसको बारे में भी कभी कभी आ जाता है दोस्तों तो बता देते हैं, ये तो मोबाइल बारे में तो रोज़ बताते हैं दोस्तों, कभी कभी बीच में आ जाता है तो। और इस तरह इसमें सेट कर दीजिए दोस्तों, देखिए परफेक्ट बैठ गया दोस्तों, और इसको ऑन कीजिए तो बज रहा है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, कुछ भी पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं दोस्तों कोई अगली वीडियो में।